हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी किचन हैक्स में। तो आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं एग ऑमलेट करी, आप इसे ऑमलेट करी भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 6 अंडे। ये उबले हुए अंडे नहीं है, ये कच्चे अंडे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स कट कर ली हैं, थोड़ा सा धनिया, 1 बड़े साइज का प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हमें थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, ग्रेवी में भी हम नमक डालने वाले हैं, इसलिए मैं डाल दे रही हूँ। तो आप बिना वेजिटेबल्स डाले भी ऑमलेट को बना सकते हैं सादे तरीके में, पर मैं थोड़ा सा प्याज और हरा धनिया डाल रही हूँ यहाँ पर। और इसे हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हैं, पर हम ऑमलेट की ग्रेवी बनाएंगे इसलिए मैं ऑमलेट में ज्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये अच्छे से फिट गया है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, 2 चम्मच। मैं इस ऑमलेट को कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहे तो तवे पर भी बना सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इस ऑमलेट को एक तरफ से अच्छे से पकने देंगे। एक तरफ से ये थोड़ा सा सेट हो गया है तो अब हम इसे पलट लेंगे। मैंने इसे कढ़ाई में बनाया है इसलिए मुझे पलटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आप तवे पे बनाएंगे तो आप इसे आसानी से पलट सकते हैं। अब इसे हम दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से पकने देंगे। ये दूसरी तरफ से भी पक गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए हमारा ऑमलेट बन गया है, इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे हम। अब इस सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। 1 बड़े साइज का प्याज है ये, इसमें डाल देंगे प्याज। हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें ब्राउन कलर नहीं आ जाता। गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखिए और ब्राउन कलर आने तक पकने दीजिए। तक हमारा प्याज पक रहा है, एक ग्राइंडर में हम डालेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन और 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, और इसे हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिया है। यहाँ पे हमारा प्याज ब्राउन कलर में आ गया है। ग्राइंड किया हुआ टोमेटो प्यूरे डाल देंगे। तक टमाटर का ये जो पानी है, मॉइस्चर है टमाटर में, पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे भूनना है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिए और लगातार चलाते हुए इसे पका लीजिए। कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। आपको सकते हैं कि यहाँ पे टमाटर का पानी अब बिल्कुल भी नहीं है और तेल अलग हो गया है और टमाटर पूरी तरीके से सूख गया है। टाइम पे हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इसे डालने से कलर अच्छा आता है, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। सारे मसाले डालने के बाद हम इसे लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें से अगर कोई एकाक मसाला आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं है, उसके बिना भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 गिलास पानी। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी डाला है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस ग्रेवी में हम 1 उबाल आने देंगे, गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। आप इसमें और पानी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑमलेट थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैं इसे काट लेती हूँ। मैं इस तरीके से चौकोन चौकोन इसे कट कर लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ऑमलेट बन करके तैयार हुआ है। यहाँ पे हमारी ग्रेवी में भी 1 उबाल आ गया है तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे ये ऑमलेट के पीसेस, हरा धनिया आखिरी में। आखिरी में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। हमने ऑमलेट में भी नमक डाला है, उस हिसाब से आप नमक डालिएगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। हमारी ऑमलेट ग्रेवी यहाँ पे बंद करके तैयार है, आप देख सकते हैं हमारी ऑमलेट करी बंद करके तैयार है। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यूनिक है ये। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।